नमस्कार मित्रों, ये बड़े विमर्श का विषय है। सुमित्रानंदन पंत जी ने भी लिखा है कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक दिन में दारुण दैन्य दुख का नीर और रोदन। साथियों, किसानों की परिस्थितियों की, उनकी पारिवारिक दशा की, उनकी स्थितियों की जब भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे, आपको निश्चय ही थोड़ी चिंता होगी। मौसम के अनुकूल होने के इंतजार में, वर्षा की फुहारों की प्रतीक्षा में किसानों के सारे सपने, उनकी सारी खुशियां निर्भर करती हैं। जब प्रकृति अनुकूल होती है, तब किसानों के खेतों में फसलें लहलाती हैं और उनका घर धन धान्य से भर जाता है। परंतु धन धान्य से भर जाने भर से ही किसानों के जीवन में खुशियां नहीं आती, बल्कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है खाद, सिंचाई और सेठ साहूकारों का कर्ज चुकाने में। साथियों, सच्चाई तो यह है, किसान जीवन की विडंबना यह है कि सेठ साहूकार उनको फसलों के कम दाम देते हैं और खुद उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। किसान जीवन की पीड़ा तब तक खत्म नहीं होने वाली है जब तक कि किसान और बाजार के बीच काम करने वाले बिचौलियों की भूमिका का सही निर्धारण नहीं किया जाता। आज़ादी के 70 सालों बाद भी किसानों की दीन दशा का मुख्य कारण कहीं न कहीं उनका अशिक्षित होना भी है। मित्रों, यदि किसी देश का विकास करना है तो सच्चे अर्थों में किसानों का विकास करना होगा, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि तकनीकी ज्ञान रखने वाली नई पीढ़ी गर्व के साथ कृषि कर्म में आगे न बढ़े। आइए, इस भावना को बल देते हुए हमारे साथ बोलिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।